नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर संभाग की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को दबाना ना भूले और देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन सागवाड़ा नगर में लोग नेकी को दरिया में नहीं दीवारों पर टांग रहे हैं। जी हाँ, सागवाड़ा नगर में तहसील कार्यालय के पास सर्व समाज के द्वारा नेकी की दीवार बनाई गई है, जहाँ से अब कई बेसहारों को मदद मिलेगी। इसका स्लोगन दिया गया है, जो चाहे दे जाओ, जो चाहे ले जाओ। अगर आपके घर में पुराने पहनने, ओढ़ने, बिछाने के कपड़े आदि जो भी है, जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वह शहर के जरूरतमंदों के काम आ जाए, तो आप उस सामान को नेकी की दीवार को दे दीजिए। यहाँ से जरूरतमंद आकर खुद इन्हें ले जाएंगे। नेकी की ये दीवार उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने स्वाभिमान के कारण किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जरूरतमंद लोग यहाँ आकर अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें ले सकते हैं। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए काफी लोगों ने गर्म कपड़े नेकी की दीवार को दिए, जिन्हें जरूरतमंद अपने घर ले गए। इन्हें पाकर वे काफी खुश दिखाई दिए। उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी ने इस नेकी की दीवार का उद्घाटन किया। पहले तो दिनेश भाई, आपका ये सुझाव सभी को पसंद आया और आने के बाद मैंने दो दिन पहले ही व्हाट्सएप पे देखा था कि आपने एक नेकी की दीवार के बारे में एक पोस्ट आई थी, तो ये सुझाव बहुत अच्छा लगा सभी को। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये आपके दिमाग में कैसे आया। नहीं, सभी जगह इस तरीके का कार्य होता है। सागवाड़ा के भी सभी समाजों के की तरफ से ये बात आ रही थी कि अपने सागवाड़ा में भी जरूरतमंदों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो सारे वरिष्ठ लोगों, सारे समाज के अध्यक्षों, उनके सभी संस्थाओं के काम करने वालों की राय के अनुसार आज यहाँ पर सागवाड़ा में शुरुआत की गई और सभी समाजों के और समितियों के अध्यक्ष मिल करके इस नेकी के काम में सहयोग देने के लिए आगे आए हैं। आज ही पहले ही दिन लगभग 2000 से ज़्यादा वस्त्र यहाँ पर इकट्ठे हो जाना मात्र 2-3 घंटे के उसमें, तो ये बात को इस बात का प्रतीक है कि सागवाड़ा के सभी समाजों के लोग दान देने के लिए और जरूरतमंद लोगों को व्यवस्था देने के लिए हमेशा आगे आते रहे और अब की बार भी आए। तो सब मिल करके एक ऐसा ये मिशन है जिसमें सर्व समाजों के लोगों को साथ में ले जा करके सागवाड़ा की एकता बना करके सागवाड़ा के जरूरतमंदों के लिए और सभी का मानस बने कि सागवाड़ा के विकास के अंदर हम सब जन आगे बढ़ेंगे। तो आज एक बहुत बड़ा प्रयास हमने हमारे SDM साहब और हमारे सभी समाजों के अध्यक्ष और सबने मिलकर के शुरुआत की है, तो ये भी आगे की भी चलेगा ताकि जरूरतमंदों को उनके हिसाब से व्यवस्था मिल सके। सर, आपके सागवाड़ा नगर के अंदर ये पहली बार ऐसी शुरुआत हुई है, तो इसके लिए आपका क्या जनसहयोग रहेगा और क्या ये जो अभी सबने बोले उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत खुशी की बात है ये कि सागवाड़ा के अंदर एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया गया है और इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात है कि आज के दिन ही दिनेश जी ने बहुत सारे समाज और बहुत सारी समितियों के साथ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय के अंदर इसमें हम बहुत सारे नई चीज़ों को जोड़ते हुए इसमें बहुत सारी नए आयाम स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नानू भाई बताइए, आपका क्या सुझाव है? हमारी ये आज जो पहल की है, हमारा ये विचार है कि हम भविष्य में इसको चलाएंगे अच्छी तरह से। ये नेक काम है और नेक काम सागवाड़ा में सख्त जरूर की इसकी। गरीब बंद लोगों को जैसे हॉस्पिटल के लिए सभी हमारे नरेंद्र भाई ने कहा था कि हॉस्पिटलों को आता है तो कभी खाना नहीं मिलता, स्थिति ये भी थी। तो ये सब कार्यक्रम हम आगे चलाएंगे, धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा भाव। यहाँ पे बनाने में आपका सर्व समाज और महिलाओं का ज्यादा सहयोग रहा, तो इसके लिए आप क्या कहते हो मैडम? हम जरूरतमंद लोगों के लिए ये इसके लिए प्रयास किया हमने। हमारे घर पे बैठे बैठे बात निकली हमारे हस्बैंड मेरे बेटे कि अपने को ये करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ ये करते हैं। कल ही शाम को बात हुई और आज इन्होंने सुबह में सबको सर्व समाज को बात करके ये प्रोग्राम चालू। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रयास है, जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए। पूरा सहयोग करेंगे और सब महिलाओं से, पुरुष से, सर्व समाजों से, सबसे मिलेंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम आप बताइए, ये जो नई पहल जो छेड़ी है इसके लिए आप क्या कहते हो?
इसके लिए हम बहुत आभारी, अच्छा बना किया ये काम और गरीबों को ये मदद मिल सके इसके लिए ऐसा काम। आप सबका सहयोग रहेगा इसमें? रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय नायब तहसीलदार साहब, हमारे सागवाड़ा के वरिष्ठ नेता सम्माननीय नारायण जी धरती साहब, हमारे पेंशनर समाज के अध्यक्ष जी, सर्व मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष जी, हमारे सराबा एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई किशोर बावसार जी, राम भाई, भाई जयेश जी, जीवन लाल जी, कुबेर लाल जी, विजय राम जी, और सबसे खास हमारी सुधार समाज की तीन बहनें, जिन्होंने पुरुष तो बहुत आए लेकिन समाजों की तरफ से कोई आया तो मुझे महिलाओं में सबसे ज़्यादा सुथार समाज की तीन महिलाएं एक टेम्पो में बैठ करके सारा सामान लेकर के आई हैं, तो ये हमको समझना चाहिए कि हमसे ज़्यादा हमारी माता बहनों के दिल में कितना प्यार है गरीब लोगों को व्यवस्था देने। मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा, जैसा यहाँ अभी मुकेश भाई और डॉक्टर साहब और सब कह रहे थे भाई, और कि ये नहीं, मैं मेरा कोई ये कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम हम सबका। आज जब सुबह व्हाट्सएप पे डाला था तो यही था कि नेकी की दीवार शुरू करनी है सागवाड़ा में, और ना तो ये देने वाले का नाम होगा ना लेने वाले का नाम होगा, ये हम सब मिलके करेंगे। आज हमारे घर के अंदर इतना सामान पड़ा है कि हमें ये होता है कि हम किसको दें, किसको देने दें। एक में दाल और एक में रोटियां, अब रोटियां भी कहाँ से आई, सबके घरों से आई। शुरुआत करिए, मैं समाज के दो दो लोगों से कह रहा हूँ कि सर्व समाजों की बैठक अपन बहुत अति शीघ्र रखने जा रहे हैं, उस बैठक में तय करेंगे सागवाड़ा एकता मंच में कि हर घर से दो रोटी मानव के लिए पहले आए, गौ माता के लिए पहले आए, फिर यहाँ जो रोटी आएगी वो गौ माता के लिए भी जाएगी और जरूरतमंद इंसान के लिए भी जाएगी। उसकी शुरुआत अपन धीरे धीरे करेंगे, पर एक मानस हमारे दिल के अंदर है, हमारे मानस में रखना है कि हमको ये करना है। और आप सब यहाँ पधारे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सभी समाजों के प्रतिनिधिगण, अध्यक्षगण, सभी कमेटियों के, उन सबका मैं स्वागत करते हुए एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, नायब साहब का और उनके स्टाफ के सारे लोगों का कि यहाँ पर आप सब पधारे और ये शुरुआत हुई। सुबह से देखिए हमने समय रखा था 1 बजे का, लेकिन लोग नेकी की जाजम हमको शुरुआत करनी आज कि हर समाज के दो दो आदमी एक कमेटी बने सागवाड़ा में और ऐसे कार्यक्रम सब मिलकर आयोजित करें जिसमें दिनेश खोडनिया, समाज, व्यक्ति, राजनीति, उसका कोई स्थान हमारे जाजम के अंदर नहीं होना चाहिए। जो आएगा नेकी करेगा, तालाब बनाने, सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है, गांव के विकास की बात करनी है, कॉलेज की करनी है, स्कूल की करनी है, सब बात समाज सागवाड़ा के सब लोग मिलकर, राजनीति को अपनी जगह रखें। तो हमारा वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है कि किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने किसको दान किया है, और चार और लोगों को ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि इसने क्या दान किया है। यहाँ पर आकर के चुपचाप आकर के वो अपना जो भी सामान दान में देना चाहता है उसको रख सकता है। दान प्राप्त करने वाले के लिए भी एक बहुत बड़ा विषय होता है हमेशा आत्मसम्मान का, कि जब व्यक्ति थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग होता है तो वो किसी से कुछ मांगने में हमेशा ये महसूस करता है कि मैं भीख मांगने जाऊंगा तो कैसा लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उन्हें अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करने का अवसर प्राप्त होगा और वो अपने आत्मसम्मान के साथ में यहाँ से उस वस्तु को प्राप्त करेंगे जिनकी उनको आवश्यकता है। तो ये एक बहुत ही अभी बहुत छोटा सा प्रयास नज़र आ रहा है हमें, लेकिन इसी संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये एक बहुत बड़ा इसके परिणाम प्राप्त होंगे। और जैसी अभी जो बच्चा बता रहे थे कि इसमें कई समाज और कई समितियाँ जो है वो अपना सहयोग प्रदान करना चाहती हैं, और अगर जो आज कह रहे हैं आगे भविष्य में अगर इसी प्रकार का अगर सहयोग प्राप्त हो जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इस नेकी की दीवार का हम संचालन कर पाएंगे। प्रशासन के तरीके से हमारे से जो भी
सहयोग की आवश्यकता होगी हम समय समय पर आवश्यक करेंगे। अभी हमारे मानव मंडल के अध्यक्ष बता रहे थे कि उन्हें हमारे कोई सहयोग की आवश्यकता है, जैसे भी जो है वो हम अपनी तरफ से इसमें सहयोग प्रदान कर पाएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। और आज का ये कार्यक्रम एक अच्छे शुभ अवसर पर मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होने जा रहा है, तो नेकी की दीवा ये ऐसा पुण्य का काम है जो आज पहल छेड़ी है। यहाँ के सर्व समाज ने दिनेश भाई खुडनिया के नेतृत्व में यहाँ पे जो सर्व समाज और पेंशन समाज ने जो नेकी की दीवार बनाई, इसके लिए हमारे मानस मंडल के अध्यक्ष है भाई किशोर भाई। किशोर भाई पहले तो आपका एकता समाज में स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत के तहत आज यहाँ पे कार्यक्रम है, उसके बारे में थोड़ी विस्तृत से जानकारी बताइए। आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इसको कार्यक्रम को आज मूर्त रूप दिया गया है, लेकिन इसको व्यवस्थित चलाने के लिए जैसा अभी हमने कुछ देर पहले देखा था यहाँ उद्घाटन के पश्चात लोगों ने किस प्रकार से थैले वगैरह भर के और कहने को जो अनावश्यक जिनको जरूरत नहीं है वो भी कहने को सामान को इस प्रकार से भर के ले गया, इसलिए इसको सारे हमने उपखंड अधिकारी महोदय को भी इस बारे में अवगत करवा दिया कि यहाँ पे हमको एक थोड़ा सा ऐसा प्लेटफॉर्म बना के हमको तैयार करके दे दे और उसका समय हम जैसे 10 से 12 के बीच में और शाम को 4 से 8 या 6 बजे का ऐसा समय दे देंगे ताकि उसके दरमियान में ही हम लोगों को ये दे सके और कम से कम एक ज़रूरतमंद को एक कपड़ा भी मिल जाए। वो ऐसा नहीं कि वो पूरे परिवार का एक कोतरे में भर के ले जाए, दूसरे जो आवश्यक जिसको इसकी ज़रूरत है वो बेचारे इस चीज़ से वंचित रह जाए। और हम चाहेंगे कि हर मोहल्ले से दो दो व्यक्ति स्वयं वो जाकर अपने मोहल्ले से एकत्रित करके और यहाँ नेकी की दीवार पर ये पहुँचाने का कार्यक्रम कर अपनी सामग्री पहुँचाने का काम करें। ऐसे ही हम यहाँ से फिर से एक पूरी टीम बना के ये काम करेंगे और आप सब से भी नगरवासियों से भी हमारे अनुरोध है आप इस नेकी की दीवार में अपना भी सहयोग करके और आप भी इस पुण्य के भागीदारी बने, यही हमारी आप सब इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि मानवता एक सेवा है। हमारे सामने हमारे यहाँ के समाजसेवी भाई अखिलेश जी पंड्या। अखिलेश जी बताइए नेकी की दीवार बनी इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छी पहल है। सागवाड़ा में वास्तव में ऐसी जरूरत थी। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने उपयोग की हुई चीज़ें हैं लेकिन वो दूसरा उपयोग कर सके ऐसी भी फेंकने लायक नहीं है। फेंकना पड़ता है तो दर्द होता है और कोई लेने वाला नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर ऐसे कोई व्यवस्था हो तो वहाँ पर अपन भेंट कर सकते हैं और वो कई जगह पर पहुँच जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने कि भाई जो भी अपने जरूरतमंद लोग हैं वो फेंकने लायक जो चीज़ें हो वो यहाँ पे रख जाए तो किसी को भी जरूरत हो वो ले जाए। अब दूसरे हमारे यहाँ पे संचालन करने वाले हमारे प्रकाश जी खटीक है जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे दिया? करीबन दिया ही होंगे, सामान 100 लोगों ने दिया है और यहाँ लेने वाले तो क्या मालूम क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जरूरत है वो भी ले जा रहा है, नजर वो भी ले जा रहा है। पर ये अच्छी पहल है और बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को बढ़ाना हमको, यूँ ये पहल आज ही नहीं बंद कर देनी है, इसको सालों साल से चलाना हमको। यूँ जय हिंद जय भारत। ये हमारे भोई समाज से है भाई प्रकाश जी, भोई समाज से आपके यहाँ पे समाज लेवल पे कहो या किसी भी क्षेत्र पे कहो ये ऐसी पहल यहाँ पे शुरू की है सर्व समाज ने, इसके लिए आप क्या कहते हैं? ये भी हमारे पत्रकार के राजीव जी बैठे हैं पर तुरंत कहा पर ये पहल चलनी चाहिए, आगे भी चलनी चाहिए क्योंकि जो भी मतलब पुराने कपड़े हैं वो अगर किसी काम में आए सहयोग में आए वो समाज के लिए बहुत अच्छा है। पर एक नेकी की दीवार और ये पहल और आगे भी चलती रहनी चाहिए और सबके लिए बहुत फायदेमंद है और चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। आइए अब आपके सामने नेकी की दीवार के लिए कुछ महिलाएं हमारे यहाँ पे आई है। मैडम बताइए ये नेकी की दीवार बनी इसके लिए आप क्या कहते हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, चलो गरीब लोगों को कपड़े की व्यवस्था हो जाए, कपड़े की व्यवस्था हो जाए उनको पहनने लायक हो, हम वैसे ही फेंक देते हैं कपड़े के थकले हमारे बहुत पड़े रहते हैं पर खराब दे ही हो जाता है। ये जो सर्व समाज ने और डीनर भी खुडेना के नेतृत्व में जो पहल छेड़ी है, मैडम बताइए
ये जो निक्की की दीवार बनी इसके लिए आपका क्या सहयोग रहेगा और आप महिलाओं में क्या चर्चा चल रही है? मैं जहाँ तक हो सके मेरी तरफ से दान करती रहूंगी और मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि ये सब व्यवस्था हुई है और हो सके तो आगे बर्तन हो खाना हो तो भी हम करेंगे, मदद करेंगे और ये दिनेश भाई कोरेजा से हम हमेशा हमेशा आपके लिए आभार रहेंगे। मेरी बहना ने बहुत अच्छी बात बताई कि खाना कपड़ों के साथ साथ खाना भी यहाँ पे दिया जाए जो जरूरतमंदों को मिल सके, ये हमारे दोनों बताइए जो पहल हुई उसके लिए आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, गरीब की सेवा में ईश्वर की सेवा है कहा जाता है, तो बहुत ही नेक कार्य इसके हमें आगे रहना चाहिए। सबसे अनुरोध करते हैं जिसके जो वेस्टेज चीजें हो खाना पीना कपड़े बर्तन हम तो उसको मंगलवार कितने पैसे दे देता है, इससे दूसरों को तो बहुत फायदा होगा ना, उनके काम पूरे हो जाएंगे, उनको लेने नहीं जाना पड़ेगा, उनको फ्री में सुविधा उनको सेवाएं मिल जाएंगी। बहुत ही नेक कार्य है और मानव की सेवा में ईश्वर की सेवा है, बहुत ही नेक कार्य है। बहुत अच्छी बात बताई हमारी बहना ने कि भाई बंगाल में या इधर उधर हम दे देते दे तो उसका हमको कोई लाभ नहीं मिलता था, मगर यहाँ पे हम देंगे तो हमको बहुत लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ये बलजी भाई बताइए ये जो नेकी की दीवार बनी इसके बारे में आप क्या कहते हो? हमारे सागवाड़ा के वरिष्ठ नेता भाई दिनेश भाई की तरफ के मन के विचारों को आज नेकी की दीवार के रूप में शुरू किया है। मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि पूरा सागवाड़ा सभी समाज के लोग समय समय पर आकर यहाँ पर इस कार्य। हाँ थावरा भाई तमने जरूरतमंद ने आई चीजें मल्ले तमने हरते लागियो ठीक लागू ये भी पहल जुए अपनाए आवा कार्यक्रम था जो है ना हकवाड़ा में। हाँ हूँ जरूरत थी तमारे कमार हूँ जरूरत थी। हाँ सेतरा जरूरत थी ने मलियो तमने।